नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश में। आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में फाइनली मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूं कि आप अपने आईटेल के फ़ोन में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएंगे। दोस्तों, चाहे आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट हो या ना हो, उससे नहीं मतलब कोई भी आईटेल का फ़ोन हो, फुल स्क्रीन वाला यानी कि एंड्रॉयड फ़ोन हो, उसमें आप डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं। सबसे पहले आपके फ़ोन में जो भी लॉक लगा, पासवर्ड पैटर्न लगा, उसको हटा दीजिए। इसके बाद प्ले स्टोर ओपन करके यहाँ पर आपको सर्च करना है सबसे ऊपर टच लॉक स्क्रीन, और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना जो सबसे ऊपर हमारे फोन में दिख रहा है। आप लोग एप्लीकेशन को ध्यान से देख लीजिए, यही एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करना है। इसके द्वारा आप डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा सकते हैं अपने फोन में। मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा लॉक लगा के, अनलॉक करके सब कुछ। 1 मिलियन से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं, आप भी डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, डाउनलोड करने से वाली वीडियो को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में आपको अपने फोन का नाम लिख देना है, जैसे कि आईटेल है, आईटेल Z5 है, तो आईटेल Z5 डिस्प्ले फिंगरप्रिंट इतना लिख देंगे। ओपन करेंगे तो यहाँ पे वॉलपेपर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके अनेबल परमिशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अनेबल परमिशन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे देखेंगे, सबसे नीचे आएंगे, यहां पे देख सकते हैं टच लॉक स्क्रीन वाल सॉरी जो है एप्लीकेशन, इसको ऑन कर देंगे। फिर जो है वॉलपेपर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे टच लॉक स्क्रीन को फिर से ऑन कर देंगे। अब यहाँ पे बैक आ जाएंगे, फिर से हम वॉलपेपर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जो भी परमिशन मांगी जाती है अलाउ पर क्लिक करके इसको अलाउ कर देंगे। अब इसके बाद फाइनली आप लोगों को यहाँ पर बहुत से इमेजेस देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं यहाँ पर वॉलपेपर वगैरह डाउनलोड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाऊंगा, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। किसी भी एक वॉलपेपर या फोटो कहें, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर किसी भी एक स्थान पे 4 बार क्लिक करना है, ध्यान रहे एक ही स्थान पे 4 बार क्लिक करना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उस स्थान को आपको याद भी कर लेना है और उसी स्थान पे फिर से आपको 4 बार क्लिक करना है। जितना बार क्लिक हो उस पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको पासवर्ड बना लेना है 4 अंकों का, दोबारा वही पासवर्ड इंटर कर देंगे। इसके बाद यहां पर सेलेक्ट योर क्वेश्चन का ऑप्शन है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर कोई भी एक सेलेक्ट क्वेश्चन करना है, यहां पर कोई भी चूज कर लीजिए। अब इसके बाद इसके जस्ट नीचे आपको लिख देना है डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आप लोग लिख देंगे। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ऐसे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे बहुत सी आप लोगों को यहाँ पे देखेंगे थीम देखने को मिलेंगी, उसका सभी का स्टाइल अलग अलग है, जो भी आपको पसंद आता है उस पर क्लिक करिए। यस का ऑप्शन लेफ्ट साइड में मिलेगा, यस के ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। यस के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कर देंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिल जाता है, अब इसको कट कर देंगे। अब दोस्तों हम अपने फ़ोन को फाइनली लॉक करते हैं, आप लोग देखिए पहले लॉक करते हैं तो अनलॉक करते हैं। हमने अपने सेटिंग से लॉक लगाया है जो स्वाइप टू ओपन करने का, जो स्लाइड करते ही ओपन हो जाता है, वही वाला लॉक लगाया है। लेकिन जब मैं यहाँ पे स्लाइड करता हूँ तो ये ओपन नहीं होता है, बल्कि डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मांगता है। कोई कहीं भी टच करे कितना भी बार, आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। जहाँ पर आपने 4 बार क्लिक किया था, लगातार 2 बार क्लिक करेंगे तुरंत आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। और दोस्तों आपके अलावा किसी को नहीं पता रहेगा कहाँ पर 2 बार क्लिक करने के बाद अनलॉक होता है, इसलिए आपके अलावा कोई भी आपके फ़ोन को अनलॉक नहीं कर पाएगा।